सबसे चीज असली चीज जो है सबसे फेमस है वाराणसी के, जो दुनिया में सबसे फेमस, सबसे ज्यादा लोग जो देखने आते हैं वहाँ पे हम जाने वाले। राइट नाउ यहाँ पर 45 डिग्री गर्मी है। तो दोस्तों आप सबके सामने और एक हिस्टोरिकल प्लेस अलमोद मोर देन। तो दोस्तों देख सकते हो शायद इसीलिए काशी को दुनिया के सबसे पुराने सिटी में से एक माना जाता है। देखिए बोलते हैं यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है यहाँ पर अगर किसी का अंतिम संस्कार करे तो। देख क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी सिटी नहीं है जो एक सिटी के अंदर इतने ज़्यादा घाट है या मोर देन। और दोस्तों जिस समय का वेट कर, जितना समय से वेट कर रहे थे वक्त आ गया, देख सकते हो आप। दोस्तों अब से कुछ ही समय पे आप सबके लिए माँ गंगा की अखंड आरती लाइव में आपको दिखा देता हूँ। हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हो कि भाई का यूट्यूब चैनल ट्रेवलर बॉय उमेश। और दोस्तों आई होप कल का वीडियो आपने जरूर देखा। कल के वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्रेलिंग था, मतलब बहुत कुछ अलग एक्सपीरियंस मिला कल के ट्रेन जर्नी में। जो कि अपने व्लॉग नहीं देखा होगा तो नीचे लिंक है, व्लॉग जरूर देख लेना, जो कि एपिसोड 1 था हमारा। तो राइट नाउ मैं पहुँच चुका हूँ वाराणसी, जिसको कहते हैं पवित्र सिटी बोलते हैं जिसे। अभी तो मैं पहुँचा हूँ वाराणसी होटल में, जो कि मैं आपको होटल का रूम टूर सबसे पहले करा देता हूँ। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं रुका हूँ एल्विस गेस्ट हाउस पर रुका, जो कि 80 घाट से ऑलमोस्ट 800 से 1 किलोमीटर के अंदर पे बहुत ही नज़दीक है। क्योंकि यहाँ से सेंटर पॉइंट पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, तो इसलिए मैंने वो सब सोच के यही जो होटल बुक किया। तो मैं आपको सबसे पहले रूम टूर करा दे, चलो रूम टूर कर दें। और प्लेसेस आज बहुत ही ज़्यादा जो हिस्टोरिकल होने वाला और बहुत ही एंजॉयमेंट करने वाला हो, वीडियो को बने रहना पूरे साथ मेरे। तो उससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, जो वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। देख सकते हो ऐसा होटल है। देख सकते हो दोस्तों ये हमारा रूम, जो कि फैमिली के साथ आया हूँ इसलिए मैं एसी सीट रूम मैंने बुक किया अपने फैमिली के लिए। तो मिलाना चाहता हूँ दोस्तों जो बंदे से जिसने कल रात को हम लोग लेट आए थे, बहुत लेट नाइट आए थे, जो कि क्या नाम है तुम्हारा? अभी भाई, मतलब नींद खोल के उठे और डोर खोला, तो उसके लिए बहुत थैंक यू अभी भाई कि आपने इतना लाइन किया, लेट नाइट खोला। तो देख सकते हो दोस्तों ये रूम है हमारा। और अब चलते हैं वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए अपने स्टाइल में। दोस्तों कुछ इस तरह होटल है, देख सकते हो ये पूरा होटल जहाँ पर हम स्टे करने वाले। तो हम तो रेडी हो गया, सबसे पहले जाऊँगा, भूख लगी है, मार्केट में खाऊँगा कुछ ब्रेकफास्ट। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ की वन ऑफ वेरी ओल्डेस्ट एंड हिस्टोरिकल प्लेस, और जिसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो कि हम जाने वाले आज के दिन में रामनगर फोर्ट एक एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो राइट नाउ मैं नेचर रिस्ट्रिक्शन में, तो पहले सुबह रामनगर फोर्ट जाएंगे और शाम को फिर वन ऑफ सबसे चीज़ असली चीज़ जो है सबसे फेमस है वाराणसी के, जो दुनिया में सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा लोग जो देखने आते हैं वहाँ पर हम जाने वाले। तो रेडी है ना कि हम जो जाने वाला आज बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट में कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल वन ऑन वन एक से एक यहाँ पर होटल्स भी है और कितने ब्यूटीफुल है सारे। और यहाँ पर वाराणसी की फेमस डिशेट और मेरा फेवरेट देसी घी के जलेबी यहाँ पर हम खाएंगे, ये फिर चलते आगे। तो दोस्तों अब खा लिए कुछ ब्रेकफास्ट, चलते हैं अब एक बहुत ही अच्छी प्लेस है, आपको मैं यहाँ के घाट पर घुमाने लेके चलने वाला हूँ। तो सबसे पहले एटीएम से पैसे निकालता हूँ। राइट नाउ यहाँ पर 45 डिग्री गर्मी है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा हो गया मैंने जो लाइट टी शर्ट लिया पहनने के लिए, इसके कारण गर्मी कम हो रहा। चलते हो चलते अब घाट में।
तो दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट के प्रवेश द्वार पे, तो चलो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप सबके सामने और एक हिस्टोरिकल प्लेस, ऑलमोस्ट मोर देन 96 ईयर्स ओल्ड ये ब्लू लस्सी शॉप जो है, इसका कोई भी ब्रांचेस भी नहीं, देख सकते हैं हमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हो शायद इसीलिए काशी को दुनिया के सबसे पुराने सिटी में से एक माना जाता है। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके मणिकर्णिका घाट, देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यूसली हर एक 100 मीटर्स पे एक भगवान का टेम्पल जरूर है। देख सकते हो यहाँ से आप फूल भी ले सकते हो जो कि पूजा के लिए आपको लेना है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो मणिकर्णिका घाट पर, जो कि बोलते हैं यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है यहाँ पर अगर किसी का अंतिम संस्कार करे तो। देख सकते हो यहाँ पर, अंदर तो दोस्तों मणिकर्णिका घाट में बहुत रश था, बहुत चीज़ें थी जो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाए। ऊपर से धूप था 45 डिग्री, इसलिए हम आ चुके हैं राइट नाउ, देख सकते हो गंगा आरती में आ चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट शाम के 6 बज चुके और अब हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे गंगा आरती। एक्चुअली ये घाट वो नहीं है, ये जो हमारा होटल है इधर पीछे और उससे होटल के पीछे ये घाट है हमारे, तो पंचकोट घाट यहाँ पर है और यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। तो जो बोट वाले बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट 4000 रुपये उन्होंने चार्ज किया, इसलिए 4000 तो हम नहीं दे सकते, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाई वॉक। ऑलमोस्ट कितना 800 मीटर तो है यहाँ से, जाएंगे और आपको दिखा देता हूँ गंगा आरती आपके सामने। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो वाराणसी यहाँ पर टोटल 88 घाट्स है, जो कि इंडिया में, पूरे इंडिया में कह रहा हूँ, पूरे देश में किसी एक सिटी में सबसे ज़्यादा घाट जो है तो ओनली वाराणसी में। तो वाराणसी के देख सकते हो मेरे पीछे जो पर बैकग्राउंड, यहाँ पर महानिर्वाणी घाट है, जैसे कि देख सकते हो मतलब हर 200-300 मीटर पर यहाँ पर घाट है। और एक जो लेफ्ट में यहाँ पर दशाश्वमेध घाट है और मेरे राइट में जो है आपका 80 घाट है। तो मैं आज की आरती अटेंड करने वाला जो दशाश्वमेध घाट, तो वहाँ पे चलते हैं आज की आरती अटेंड करते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी सिटी नहीं है जो एक सिटी के अंदर इतने ज़्यादा घाट है, या मोर देन 88 घाट्स है। तो इसीलिए ये जो आरती है दशाश्वमेध घाट की आरती देखने के लिए पूरे इंडिया से नहीं, पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि फॉरेनर्स वगैरह भी आते हैं। चलते हैं आपको दशाश्वमेध घाट की आरती करा था। ये क्यों? क्योंकि ये जो है लगभग 5th सेंचुरी का बना हुआ घाट है, ऑलमोस्ट आज से तो लगभग 1700-1800 साल पुराना घाट है। तो चलो चलते हैं यहीं की आरती अटेंड करते हैं हम। तो दोस्तों जिस चीज़ का हम वेट करते थे, जिस समय का वेट करते, जितना समय से वेट कर रहे थे, वक्त आ गया। देख सकते हो आप, आपके सामने गंगा माँ की आरती और पूरा स्टार्ट टू एंड आपको मैं वाइड एंगल में पूरा दिखा दूंगा। बाकी सारी चीजें छोड़ो, पीछे देखो लोग, देख सकते हो यहाँ पर पीछे, और यहाँ पर पीछे नदी के अंदर बोट पे लाइव सब लोग दर्शन किस तरह कर रहे हैं। तो दोस्तों अब से कुछ ही समय पे आप सबके लिए माँ गंगा की अखंड आरती लाइव में आपको दिखा देता हूँ। Thank you.
और इसी के साथ आज सबके लिए भारत की सबसे पवित्र भूमि पे सबसे पवित्र आरती के दर्शन। मजा आ Bye.
दोस्तों देखा आपने अभी पूरा, मैंने गंगा आरती हमारी पूरी दिखा दी आपको, कि मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब इतना खुशी हो रही थी मन के अंदर से।
और जो दिल को सुकून मिल रहा था वो तो अनदर लेवल था। तो अपने को मैंने दिखाया कि पूरा, मैंने स्टार्ट से एंड तक पूरा दिखाया। मैंने इसमें कोई भी म्यूज़िक मैंने ऐड नहीं किया, ना मैं ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैं पूरा नेचुरल पूरा दिखाना चाहता हूँ। तो कैसा लगा ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग तो यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हो मतलब मैं तो बाद में खत्म, चार्जिंग ख़त्म हो गया था मोबाइल फ़ोन का। तो उसके बाद तो मैं घर पे जाके चार्ज करके मोबाइल आया, पर अभी ब्लॉग मुझे एंड करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कर देना। भारत की संस्कृति और तो मैंने आपको दिखाया, जो कि भारत के सबसे पवित्र शहर के वाराणसी की सबसे पवित्र आरती जो थी दशाश्वमेध घाट की जो आरती, ऑलमोस्ट ये जो घाट था, जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग 1800 साल पुराना घाट है, और यहाँ की जो आरती है बहुत पवित्र मानी जाती है। ब्लॉग में यहीं पर एंड कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आपकी वीडियो को कैसा लगा, आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। लाइक कर देना, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ज़रूर वीडियो, जो कि सब तक पहुँच जाए अपनी संस्कृति। और मैंने स्पेशली बनाया है कि सबको पता चले, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए। आप देखें, मैंने आज का दिखाया जो डे वन था आज का एपिसोड, डे टू डे थ्री भी आने वाला, जो कि मैं बहुत ही ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ, बहुत ही नाम है उनका, और शायद वो आप लोगों को देख नहीं पा रहेगा, और वो पूरा मैं डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा डिटेल में। मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं कल के व्लॉग में एपिसोड टू में। और तब तक के लिए दिस इज उमेश सेइंग बाय टू यू गाइस फ्रॉम ट्रैवलर बॉय उमेश। जय गंगा।